वाहे गुरु साहिब जियो। बारह महामांज महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चेत गोविंद आराध्य हुए आनंद कणा, संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा। चेत गोविंद आराध्य हुए आनंद कणा, संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा। जिन पाया प्रभ आपना आए तिसै गणा, एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जलथल महियल पूरिया रविया विच वणा, सो प्रभ चितना आवई कितड़ा दुख गणा। जिन्ही रावया सो प्रभु तिना भाग मना, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। शाम समय सत्संगत दा समां असीं प्राप्त किया है, गुरु हजूरी नूं असीं माण रहे हां। रोजाना दी तरह यह वक्त गुरु शब्द व्याख्या का है, मगर अज असी लड़ीवार बाणी की विवेचना ना करके बारह माह की रचना विचों जो दो नंबर पदा बनता है चेत महीने के सरनावें दे नाल उदी विचार करांगे। बीते कल नवें वरे की प्रारंभता हुई सी, बारह माह रचना जो कि यह मरकजी बाणी है, चढ़ते महीने असी पाठ करते हैं, सरवण करते हैं, व्याख्या करते हैं। सो इसे रूप दे विच चेत्र दे महीने की प्रंभता दे नाल इस पावन पदे की व्याख्या असी करनी सी, पर क्योंकि तो पहला पदा किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम, वह भी ये नाल शुरुआत उत्थों हो रही है। सो उस पदे दे बंद विचार दे हां ते कुछ नवे वरे ते नानक शाही संमत बारे बात करदे होया साडा समा उस तरीके दे नाल सफला होया। हुण असीं इसे पावन पदे की विवेचना सीधे तौर पर कर लगे हाँ। सो इस पावन पदे का वैसे तो पिछोकड़ बीते कल असीं बयान किया कि पहले पदे नाल की रिलेशनशिप आ रही है, पर जो असीं डायरैक्टली दी बात करते हैं चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा, बंदा भावें वह कोकेशियन है, एशियन है, अफ्रीकन है, अमरीकन है, किसी खिते किसी इलाके किसी रीजन किसी बोली किसी कल्चर सभ्याचार उम्र के किसी पड़ा खिते दे किसी किस्म के रूप दे विच वो आ रहा है। उस सारे मनुखा जगत दे विच वस रहे मनुख की खाश एक ही है, तो उस यूनीवर्सल खाश न उस यूनीवर्सल जो उहदी विशेज हैगियां उहदियां उन्होंने बाबा जी ने बाणी च बड़ा खूबसूरत बयान किया है। महाराज कहिंदे सुख को मांगा बहुत बहुत, दुख ना मांगा कोई, आही खाश है। होवे आनंद कणा, सुख को मांगा बहुत बहुत, बंदा आनंद चाहता है, खुशी चाहता तो कणी खुशी चाहता है, थोड़ी बहुत ही भी नहीं। बेतहाशा खुशी होवे, सुख होवे तो इतना होवे कि मुखे ना, दुख ना मांगा कोई। धरती का कोई बंदा दुख का ख्वाहिशमंद नहीं गा, वो किसी रूप में भी हो कोई उसकी मंग नहीं इस तरीके। हाँ ये वक्री गल है, सुख है को दुख अगला, मनमुख बूझ ना होए। जिन्नी सुख की खाश रखता दुख अगलवाड़ी होके ना आता। सो इतें जाके बंदे बड़ा कई बार मतलब फिक्र भी पैंदा तो उन्हें अंदर परेशानी भी जन्म लेंदी। खाश सुख दी सी, मिल दुख रहा आया,
मिसमैच क्यों है। इस बाबत बाणी दे बचन अक्सर असीं पढ़दे हां, तां गुरु तेग बहादुर साहब जी दी असीं बात करिए ते महाराज बयान करदे ने, सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की। सुख दे हित हो के सुख दी खाश रखदे होया दुख दी प्राप्ति उहदा कारण इह है, सही सोर्स नहीं लभ रहा सही मालक नहीं लभ रहा। खसम तो टुट जाना दुख दी असल च आमद आ। इहनू असीं भाई साहब भाई नंद लाल जी दे बचनां च अक्सर पढ़दे हां कि जदों बंदा देखदा गम चे बाशद गफलत अज़ियादे खुदा, खुदा दी याद तो गफलत गमां दी खान है। जीवन गमां दे विच डुब जांदा है जदों बंदा उस पास्यों टुटदा है। सो साहिब ने बयान किया, सुख के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की, द्वारै द्वार स्वान ज्यों डोलत नै सुध राम भजन की। राम दे भजन की सुध नहीं गई, द्वारै द्वार भटक रहा है, भटकना मन की भटकना हौली हौली तन की भटकना विच तब्दील हो जाती है। बंदा वाक्य च लिटरली तौर पर जिहड़ी माइंड वॉन्डरिंग है इहदी फिजिकल वॉन्डरिंग च कन्वर्ट हो जाती। सो फिर चार छपेरे अपने आप नूं उस रूप दे च आवारगी ते आवारागर्दी दे च पा लैंदा ते इहदे कई मसालां ने। पर खैर असीं जिहड़ी बात कर रहे सीगे, चेत गोबिंद आराधिया होवै आनंद कणा, इहदी काट भी तो होएगी, कोई तोड़ भी तो होएगा इस दुख तो बाहर निकलन दा, कणे आनंद नूं प्राप्त करन दा। बाबा जी ने कहा चेत गोबिंद आराधिया, चेत चेते करना याद करना, आराधना ये भी याद करना ही है। मौलिक रूप च बात तो एक ही है, हाँ लफज दो यूज किए गए ने। इत्थे बीते कल भी आप बात कर रहे थे कि जदों बंदा चेतन पद्धर से किसी चीज़ को चेते च वसाउंदा आ, जिवें असीं वाक पढ़ रहे थे चेतना है तो चेत ले, निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बिहात है फूटे कट ज्यों पाणी। किते महाराज बयान कर दे, सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है एह, जब लग जोबन सास हैं तब लग ए तन दे, जब लग जोबन सास हैं। जिंदगी नूं इस तरह मन के चल, जिंदगी स्वासां दा एक गिणवा मिणवा जा रूप आ, मुक जाणगे एक दिन। कला ए ही नहीं गा, स्वास होण भी पर जोबन एनर्जी मुक जाए बंदा, क्योंकि जिन्नी देर तक एनर्जी है इस तरह जानी है। अक्सर गल हुई है उम्र का असर, जिमें जिमें जोबन घटै जरुआ जिणै, जोबन घट रहा जरुआ जिण, जिणना मतलब जित जाना, जिहड़ा जरुआ आ बुढ़ेपा है वह जित रहा है लगातारता दे नाल। जिमें कोई अर्थराइटस की गल करे, गठिए की गल करे, कोई होर क्रोनिक रूप दिच किसी पीड़ा की बात करे, कोई मटैबलिजम दे उदे विच उदा उस लैवल ते शरीरक तौर ते कंपैटिबल ना रह जाण दी इहदी गल करे, सो मैनी डिफरेंट एक्चुअली तरीके। तो जिवें जिवें उम्र वध रही है इन्हां चीज़ां का प्रभाव जीवन विच नैगेटिव लैवल ते वध रहा है, ये लगातार जित रहे ने। अर्थराइटिस हौली हौली करके जित रहा है, हौली हौली करके क्रोनिक सिस्टम तरीके दे नाल साडे अंदर कुछ ना कितें वह अपना रोल प्ले कर रहा, हो किसी डिजीज़ के रूप में किसी रूप के आ रहा हो। सो जोबन घटै जरुआ जिणै, जरुआ जित रहा है। सो साहिब एहसास कराउंदे इस गल का कि बंदे तू मन के चल कि चीज़ इस रूप में आ रही है डे बाई डे। फिर उसको होर सरल करके मैं बयान कर लगा सीगा कि जे आपां ऑर्गन दे तौर ते लईए ते लिवर आ, किडनी है, हार्ट आ, मतलब मोटे मोटे तौर जिहड़े ऑर्गन असीं गिणदे आ, जिवें 15-16 साल की उम्र दे विच लिवर काम कर रहा सी, किडनीज़ वर वर्किंग, इस इन्हां दी इस ए वर्किंग एबिलिटी जिहड़ी है वह 50-55 दे नेड़े नहीं रहेगी, डेफिनेटली वह घट जाएगी। इन बिन साढ़े गलैन जड़े ने साडे, मतलब एवरीथिंग इस रूप दे च साडा ब्रेन एक ऑर्गन दे तौर ते लवो इसनू। जे एक बंदा 25-26-30 साल की एज दे अंदर ब्लड वर्क करवाउंदा तो कहिंदे एवरीथिंग इज वर्किंग 100%,
उसे बंदे ने जो 60-70 साल दी है जो जाके ब्लड वर्क कराते तो पता लगता भी यस किडनीज आर दे आर फंक्शनिंग गुड बट नॉट ऑन दैट लेवल 100% नहीं हैगा पर हाँ 60-70 है इन्ना का हैगा इन बिन जड़िया हार्ट आर्टरीज ने यस देर आर सम सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट ब्लॉकेज कैन हैपन हाई कोलेस्ट्रॉल हैगा और बहुत सारिया चीज़ा ने ऑरगैनस आर एटली गैटिंग वीक सो सेम वे विद आवर ब्रेन ब्रेन की एबिलिटी भी लगातार घट रही है उदे विच भी लगातार जिहड़ा हैगा असी लोअर लैवल देख रहे हैं साडी समझण दा साडी चीज़ां नूं अपनी सुरत च पा सकण दा अनालिसिस कर सकण दा ते फिर जिहड़ी इच्छा शक्ति विल पावर किसी चीज़ नूं समझ समझा के उसनों अपने जीवन दे विच धारण कर लेना अडोप्ट कर लेना ते डेफिनेटली नैक्सट स्टैप आ पर बाबा जी कहिंदे ये तेरे को शायद एनर्जी उन्नी ना रहेगी अपने मन को कह मना सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ये जब लग जोबन सास हैं जदों तक ये जीवन दिच एनर्जी है उदों तक आराध अपने आप लगाओ उस पास चेतना है तो चेतले निस दिन में प्राणी छिन छिन औद बिहात है पल पल करके उम्र गुजर जाएगी फूटे घट ज्यों पानी जिवें टुटे घड़े का पानी है सो बाबा जी कहते चेत गोबिंद आराधी है समा रेंदे हैं प्रियोरिटी बेसिस दे उत्ते टाइम रेंदे हैं अदरवाइज क्योंकि 12 माह है महीना चढ़िया है महीना चढ़न दे नाल साल शुरू होया है आखिरकार साल मुक जाएगा चेत तो फगण तक जाने देर नहीं लगनी एक तरह का समय की उस गुजरती हुई आभा भी बयान किया जिन्हों क्या साहब कहते कि बहती जात कदे दृष्ट न तारत वेखते सही उम्र रूपी नदी जिहड़ी है किवें बहिंदी तुरी लगी जाती है तू दृष्ट नहीं तरदा तू नज़र ही नहीं पा रहा उत्ते उस वगदे हुए पानी बहती जात कदे दृष्ट न तारत मिथ्या मोह जिन्हां चीज़ां नाल बड़ी एसोसीएशन बना लिया मिथ्या मोह है तेरा बंधन नित पारछ बिना वजह अपने आप नूं उस चीज़ च जोड़ रहा है घने आनंद की प्राप्ति है प्रभु सिमरन प्रभु एहसासियत करतारी गुणा दे नाल जोड़न दी बाबा जी बात कर दे चेत गोबिंद आराधिया होवे आनंद कणा संत जना मिल पाईया रसना नाम पणा रसना नाम नूं पढ़न लग जाए अलापण लग जाए आप मुहारे मुखार बिंद विचों कुछ लफज जिहड़े ने उस रूप च निकल सकन बाबा कबीर जी ने कहा सी सुपने हूं बरडाएक है जे मुख निकसै राम मतलब सुपना भी आए तो रब दा आए एक ऐसी स्टेट आ स्टेट ऑफ माइंड आ जिन्हों से सारे अचीव करना चाहते हैं अदरवाइज बंदे दे सुपने तो एक पासे छड्डो जहरा तौर ते तुरदियां फिरदियां ख्यालां दे विच ही ना रब ना रब दा पै है ना ना रब ना रब दी याद है ना उहदा एहसास है सुख कित्थों आएगा वड्डा ते साडी सोच दा हिस्सा साडी चेतनता दा हिस्सा चिंता ने लै लिया जिहड़ी चिंता आ फिक्रमंदगी है बेतहाशा बंदे दी हर चीज़ बाबत रवानदारगी हर चीज़ बाबत मतलब अपने अंदर सोची जाना अल्लाह पी जाना कल्पी जाना इस तो किवें निकले बाहर बंदा साहब कहिंदे चिंतत ही दिस है सब कोए तुसीं ते नज़र मारो चार छपेरे तुहानूं ते शायद हसदे खेडदे होए कितें चेहरे दिसणगे बाबा जी कहिंदे मैं गहरा देख रहा मैनूं चिंतत ही दिस रहे ने असल च मनुख नहीं तुरे फिरदे चिंतावां दीआं पन्नां तुरियां फिरदियां ने चार चपेरे जिसनों भी तुसी जाके कुरेदोगे फुलोगे तो पता लगा दुख कियां पन्नां खुलियां सुख ना निकसिओ कोए बंदा पन्नां दीआं पन्नां ही चुकी फिरदा आ मतलब इस तरह पंजाबी च कह लो वी लीरां पतीरें बन्नियां सारियां ना फुलियो किसे दी गंढ फुलो ये कहोगे हद हो गई कुछ भी नहीं चंगा है देश दे सो ये है ख्यालां च सवाए फिकरां तो सवाए झोरियां तो सवाए हावे हंजुआं तो कुछ भी तो नहीं गा कैरी किया बंदे ने सो ये सारे नूं किवें निकले बंदा बाबा जी ने कहा देख तेनों जे विश्वास होए तो मैं विश्वास तेनों दवा सकदा गुरु नानक साहब कह लगे नानक चिंता मत करो सिद्ध ही जैसे किसी ने कह रहे भी आ काम ना कर मत कर आ काम लिटरली तौर पर स्टॉप इट दैट्स इट बाबा जी रियली शुड आई स्टॉप इट बाबा जी कहते कंप्लीटली
नानक चिंता मत करो। चिंता तिस ही है, वो तिस ही कौन है? जिन्हों है चिंता वह कौन है? वो बारे तो पता लगे। अभी पढ़ रहे करतार सो कौन कह धाम बसै, ना कान सुनो ना आंख लखा, है कौन है? वो बारे तो कोई एहसास होए, मैं चिंता करा ना पबई थोड़े तो विश्वास कर ला, मुड़के कोई होर मेरी बाह ना पड़े तो मैं तो मारिया गया। दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो मैं डुब जाओ, डुब जाऊंगा मैं इस रूप में। बाबा जी कहते नहीं नहीं, मैं तेनों बड़े रैशनल वे नाल, बड़े लॉजिकल वे नाल तेनों समझा रहा। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसे ही है, जल मैं जंत उपायन तिना बेरोजी दे। धरती दे फसलां पैदा होंदियां ने, बूटे फुल फल बड़ा कुछ लगता आ, जिंदगी रुमकती दिसती है। इन्हां सब चीज़ां नूं खा खवा के लोग इत्थे जिउंदे ने। सब चीज़ां विच पाणी दे विच ते कोई फसलां नहीं उगदियां, पानी दे विच ते कोई इस किस्म दे नाल कोई दुनिया नहीं चलती। सच है, पानी ते पानी है। पर ये भी सच्चाई है कि जो अद्धी घट तो घट जिहड़ी है बायोलॉजिकल लाइफ जिहड़ी इस धरती दे उत्ते ग्लोब ते एग्जिस्ट करती, वह पानी विच है। उत्थे जी जियां नूं खा के चल चल रहे ने, पर जियां दी आमद फिर हो रही है। फिर देखो, फिर कला ये नहीं गा मनुखा की दुनिया के विच ते साडा, क्योंकि जो कुछ भी असं देखते हैं ना, जिहड़े असी बड़े वड्डे वड्डे कहिंदे आ कि बड़े ड्रास्टिक वे दे नाल असीं डिजास्टर्स देखते हैं कि वो डिजास्टर्स आर हैपनिंग ड्यू टू दोज डिजास्टर्स, देयर इज पावर्टी, देयर इज सम सोर्ट ऑफ ह्यूमन स्ट्रगलिंग एंड ह्यूमनस आर एक्चुअली सफरिंग। भाई गल ये है, ये मैन मेड ने, बंदे की अलामत विचों निकलिया सब कुछ है। कदे की गल हो रही है रिफ्यूजी क्राइसिस की, मिडल ईस्ट तो होर जगह तो, हुण यूरोप दे तुसीं देख रहे हो सामने। कोई तुसीं मेन स्ट्रीम का चैनल ऑन करो, रेडियो का, टीवी का, उहदे च सीधी गल होएगी भी हाउ मैनी रिफ्यूजीज एक्चुअली आर सफरिंग नीयर टू द जिहड़ा यूक्रेनियन बॉर्डरस। बच्चियां की गल हो रही है, इस तरीके की गल हो रही है। तो जे डीप लैवल से देखांगे तो मैन मेड आ। जो होर पिछे चले जाइए तो सच ये है, दुनिया के एक तरह का एक ऐसा हाल हालात बन चुके ने कि उन्होंने हाल हालातों के एलीट है तो उसनों कोई फर्क नहीं पैंदा, ना उन्होंने बीमारी नाल फर्क पैंदा, ना उन्होंने वार दे नाल जंग नाल फर्क पैंदा। उसने अपना साजो समान वेचना, उसने अपने तरीके नाल वो सब चीज़ां करनियां। पर जिहड़ी साडी आम संसारी दुनिया आ, असीं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आ, बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो उत्ते, तो बहुत ज़्यादा सोचना तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जिहड़ी है वो बंदे नूं बॉदर करती है। बंदा इहदे च जिहड़ा आ, जिवें सपोज करो अजकल ते जिहड़ा जिस दुनिया च असीं रह रहे हां, इस दुनिया नूं ते स्टॉक एक्सचेंज का नंबर चलाउंदा। वो नंबर वध जाए, खुशी घट जाए, दुख इहदे च लोक जिउंदे ने, सारे फ्लिप करदा जदों उस रूप दे विच। ते उहदी हालत यह है कि उसने कभी भी एक जगह से स्टेडी नहीं रहना। वह ग्राफ है चल रहा, कई जिन्हें सोच जिन्ने साल साडे कोल उहदा जिहड़ा हैगा डाटा पिया हैगा, पर बंदे नूं फिर भी समझ नहीं आ रही। महाराज बयान कर दे जिहदी मैं तैनूं गल दस रहा कि वह अकाल पुरख वाहिगुरू चिंता तिस ही है, जल मैं जंत उपायन तिन्हां पिरोजी दे। उत्थे हट ना चल रही, उत्थे कोई हटियां नहीं चलदियां, बजट नहीं पेश हुंदे, गवर्नमेंट्स उत्थे पॉलिसीज नहीं बनाउंदियां, उत्थे कोई इस तरीके दे नाल स्टॉक एक्सचेंज का नंबर नहीं फ्लिप होंदे, कुछ भी नहीं होंदा। पर जिया जंत है जिंदगी दे विच, ना अछेती कित्यां हवा मुक जानी तेरे वास्ते, ना पीण वास्ते पानी मुक जाना है, ना धरती ने अन्न पैदा करन तो रुक जाना आ, ये चलदा रहना आ। साधन संसाधन कटदे वढ़दे उत्ते थले हुंदे, जिंदगी एवें चलती रही है। तेरे तो पहला भी चलती रही, तेरे नाल भी चलती, तू नहीं होएगा फिर भी चलेगी। फिर ये भी है, आसन लोए लोए पंडार, जो किच पाया सो एक है वार, कर कर विख है सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। उहदी सच्ची कार आ, विश्वास उत्ते कर, यह सिमरन है, यह चिंतन है। फिर बाबा जी ने होर इस तो वधिया बात की हो सकती है, चिंता ताकी कीजी है जो अनहोनी होए,
अनहोनी, अनहोनी तो कुछ भी नहीं, सब होना ही है, ये साक्षात ही है, होना ही है। लगातारता नाल जिहड़ी चीज जिस तरीके नाल असीं देखदे आ, असीं कई वारी झूठियां तसल्लियां दिंदे आ अपने आप नूं। हुण सपोज करो बदल उमड़ रहे ने, माहौल इहो जिहा बढ़ रहा हैगा, तो सारे माहौल तो बाद बंदा कहेगा भी यू नो क्रॉस योर फिंगरस, स्नो शुड नॉट बी हेयर, स्नो शुड नॉट बी हेयर, हाउ कम भाई, गल ये है स्नो विल बी देयर। ये हुण तू मुसीबत अपनी सोच च पाई रखे तो पाई रखे, क्योंकि सरकमस्टांस दिस रहे, स्नो होएगी, होना वो तो होएगा, होना है सो होए रहे, वो तो होएगा होएगा। सो यह है कि जो चीज़ वापर रही है, हो रही है, तो सामने दिस रही है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी, अनहोना तो कुछ भी नहीं, होना ही है। हुण माफ़ी मंगांगा मैं, सब घरां च सुख शांति रहे, असी अपने परिवारां नूं संभालीए, अपनियां सेहतां ठीक रखिए, जीवन चले, इहदी सुख शांति दी मंग असी करदे हां। अंग्रेजी सेइंग है ना भी रेडी फॉर वर्स्ट प्रे फॉर बेस्ट, प्रे चंगे वास्ते करो, अरदास करो चंगे वास्ते, पर जिहड़ा रेडी है वह वरस ली रहो, पॉसीबिलिटी किसी होर नाल वरस वापर रहा है तेरे नाल ही वापर सकता है, ये कुदरत दा नियम है, इहदे च इह तां कोई है ना सकता कि इस रूप दे विच। ते जे चीज़ां ना होंदियां ते बाबा जी क्यों लिखते दरियावे कन्ने बगुला बैठा केल करे, केल करेंदे हंझ नूं अचिंते बाज पए तिस रब के, केलां विसरियां एक कलोना विसर जांदियां, बंदे नूं उदों ही पता लगता जदों कीदा की बन जांदा। बाबा जी के बारे मिसाला पोलीटिकल सनैरियो अज की तो तारीख गल करिए, तो बाबा जी की बाणी से सैदपुर की असी सारा वो दृश्य पढ़ते हैं, जिस महाराज बयान करते भी वक्त अपनी जाचे हो जा नहीं रहिंदा, आखिरकार जदों नानक आख है सच की बाणी जिहड़ी है, सच सुनाए सी सच की बेला जिहड़ी, वह बचन क्या भी सच की बाणी है तो सच के वेले तो बोल रहे हैं, वक्त रही तो एहसास कर पी चीज़ा सामने साक्षात हो रही, जिहोजा तुहाडा जीवन यापन आ, एवें तो नहीं रह सकता। खुरासान तो चढ़ते तुरे लगे आते हैं, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, वो आखिरकार वो चीज़ सामने नज़र आ रही है, ये सारे रूप में अखां च बंदा सामने पावे तो फिर वो बाबा जो अपना बनता रोल है वह अदा करे, बाकी जो करतार नूं पावे। ये संसार जुड़ता भी रहा, उखड़ता भी रहा, फिर जुड़ेगा, फिर उखड़ेगा, इस तरह चलते रहना समाज सब चीज़ा। सो चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। कोई सदीव काली इत्थे पक्का इत्थे पटा कटा के नहीं आया, वक्ती तौर पर हाँ पानी के बुलबुलियां की तरह आए हाँ, मुड़ के मुक जावांगे, हर चीज़ इस तरीके नाल होंदी है। साहिब इत्थे बयान करदे कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु अगे अरदास करिए कि रसना नाम पणा, रसना जदों बोले उहदे हुक्म ते रजा दा रंग लैके बोले, नाम बोले वह बोले जो बोलना वाजिब आ, मतलब उहदे अहसास विच रहे, ना ते चिंता उहदा अहसास है, ना फिक्र, ना झोरे, ना कुछ, ये सब चीज़ां बंदे दी मानसिकता दे लोअर लैवल तो निकलदियां ने। इत्थे साहिब कहिंदे संत जना इहो जिहे संत जना दी सांझ कीती जाए, शैडोइंग होए, रसना नाम पणा, जिन पाया प्रभा अपना आए तिसे गणा, जिन्हें प्रभु अपने नु प्राप्त किया उहदी गिणती आयां च हो गई, अदरवाइज आवन आयो सृष्ट मैं बिन बूझै पशु ढोर, नानक गुरमुख सो बूझै जाके भाग मथोर। आवन आयो साहिब कहिंदे जिन पाया प्रभा अपना आए तिसे गणा, बचन आया कि आवन आयो सृष्ट मैं बिन बूझै पशु ढोर, ऐसा पशु पैदा ऐसा बंदा पैदा होया की फर्क पिया, बंदे दी आमद बंदे दे किरदार करके होंदी है, उहदे किरदार दे जे चीज़ होए, उहदी सोच जे चीज़ होए, तां उहदी धरती ते आउण दी गिणती होएगी। असल च बाबा जी दा बचन है कि सफल जन्म हर जन को उपजो, जिन कीनो सौंत विधाता, विधि दे विधान बनाउण वाले नूं सौंतरा करके जाए बंदा, बंदा धरती ते दो पैरां ते विचरे ते उहदा विचरना रब दी याद दा असल विच तुरदा फिरदा प्रचार होए, कोई उहदे वेल वेखे ते कहे वाकई च रब दा बंदा है भाई, रब दे गुण ने इहदे कोल, जिथे उहदा प्रवेश होए, जिथे उहदा तुरना फिरना होए, उहदे विचों उहदी महक छलके, तां ते जाणो उहदा आणा होया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਤ ਅਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਰੱਖ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਲਾਮਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, 60s ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੀ ਮੈਨਹਟਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁੱਲ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਵੁਡਨ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਲ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਯੂ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਮ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਫਿਰ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੇਰੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਓਵਰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤੁਰਨ ਮੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੂੰਜ, ਗੰਦੇ ਬੂਟ ਪੂੰਜ ਪੂੰਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਰੂਦ ਪਾਏ ਨੇ ਸਭ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀਂ ਜਾਗਣ ਕਰਨ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀਂ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਣ 100 ਜੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਈ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੁੱਝਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ
कि जिन पाया प्रभ आपना आए तिसाए गणा, उदी गिनती जानो आया च होई, जिन्हें अपने प्रभु नु पा लिया, जिन्हें प्रभु वाले इस राह दे उत्ते तुरना शुरू किया। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, एक खिन तिस बिन जीवना, खिन छोटे तो छोटा पल, उदी याद के एहसास तो बिना कि छोटे जे पल भी जीना, इस वाए जून कटी करन तो बिना कुछ भी नहीं। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, धरती ते जने जाना आमद होनी, जम पैना धरती का जीवन मिलना यही बेकार हो गया। मुराद इस तरह जाणो कि दुध की बाल्टी भरी है तो उहदे च तुसी दो चार बूंदा पानी दियां पा दिओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। उहदे च तुसी कोई दो चार दाने खंड दे पा दिओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। हाँ, तुसी उहदे च दो बूंदा खटास दियां पा दिओ, फिर की होएगा। तुसी उस एक बूंद कांजी दी पा दिओ, की होएगा। इन बिन जिहड़ा साड़ी जीवन दी आभ है ना, इहदे अंदर जदों असी रब्बी याद दे एहसास तो टुटे हुए ख्यालां नूं आमद देने आ, जियाया कहने आ, दुध च कांजी पै जांदी। बस सब कहिंदे जीवन च कोई ऐसा ख्याल आवे ही ना जिहड़ा उस पासे तोड़े सन, उहदी बात कीती गई इहदे च। साहिब महाराज कह रहे ने, एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना, जल थल महियल पूरिया रवया विच बना। बाकी वो किथे है? जल थल महियल पूरिया, जल विच थल विच दरमियान पूरिया पुरछिया होया है। रवया विच बना, जंगल बेले ये मनुख पशु पंछी परिंदे ते सारी बनस्पति उहदी लिखायक है, होर किहदी लिखायक है? उहदा ही रूप होके करते कुदरती मुश्ताख, तेरी मुश्ताखियत ही तो है सारी, तेरू कित्थे वेखांगे, तेरी यही मुश्ताख रूप जिहड़ा आ तेरा, इहनू असीं निगाहबान होईए। सो बचन आया, जल थल महियल पूरिया रविया विच वणा, सो प्रभ चितना आवे कितड़ा दुख गणा। जिहदी हस्ती इतनी ओमनी प्रेजेंट होए, इतनी मौजूद होए, उही साडे चेते च ना होए, चेत गोविंद आराध्य उहनू कहना पए, कितड़ा दुखना, किड्डा वड्डा दुख है। यही दुख है किरत करम के विछुड़े, किन्ना कम्मां च पै गए जिहदे करके जो चार छपेरे आ उही भुल गया, जो हर वक्त मौजूद मुयसर है उही भुल गया, जिहदा एहसास साडी सुरत छड गई। बचन आया, सो प्रभ चितना आवे कितड़ा दुखना, जिनी रावया सो प्रभु तिन्हां भाग मना, जिन्होंने उस प्रभु नूं राव लिया तिन्हां भाग मना, मना मुई भाग जाग गए। पंजाबी दा आम बोली का लहजा आ, कोई सानू गल हो सी कि मना मुई चा चढ़ गया, मीन अतोलव। इतने जिक्र आया जिन्ना ने तिना भाग मना, उन्होंने मना मुई भाग जाग गए। इंज कह लो कि उन्होंने जड़ी किस्मत आ सराबोर हो गई। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना, हे नानक कह मेरे भी मन में प्यास है तेरे दीदार होण मालक, तेरी याद का एहसास साड़ी सुरत च आ जाए। बिल्कुल जी अंतली लाइन ते आ जाइए असि इस पावन पदे दी, चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। उहदी गल करिए, चेते उहनू करिए जो साडा असला आ, ते इह जिहड़ा जीवन रूपी चेत आ, इह उस प्रभु नूं मिलाप दा सब तो सोहणा समां आ साडे वास्ते। वैसे बाणी दे वचन भी असीं पढ़दे हाँ, पर आले दुआले होर लिटरेचर भी सानूं बयान करता है कि पशु पंछी परिंदे सब उन्हूं मिलना लोचदे ने, पर उन्हां कोल रसाई नहीं गी, क्योंकि मनुख नूं इह मौका दिता आ, इह समां बणिया आ, इस वक्त नूं तू संभाल लै। किते बाबा जी बयान करदे कहिंदे कि इह जिहड़ा तैनूं असीं रोज़ हर रोज़ रहरास च पढ़दे हाँ, पही प्रापत मनुख दिहोरिया, कादे वास्ते? गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। चेत मिलाए सो प्रभु, जीवन रूपी चेत तेनू मिलाण वास्ते मिलिया। सो आया, तिस कै पाए लगा, ते जो कोई इहदे वास्ते सानू मदद करे, संत सहाई राम के असी बचन पढ़ रहे सीगे, भई उहदे पाए लगा मैं उहदे चरणा ते मत्था टेकाउण, बेतहाशा इज्जत ते रिस्पैक्ट देवां। साहिब रहमत करन नाल मिवाकां दा संदेश साडी सुरत दा हानी होए, ये दिली अरदास आ।
ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।